एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क जो है उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा, तो आप टेंशन ना लेना कि यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नो, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ आपके 10-20 रुपये ज़रूर लग सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट है, मैं आपको इंग्रेडिएंट का नेम बता देती हूँ, जो कि है मुलेठी, जिसको हम बोलते हैं लिक्वराइज। ठीक है, लिक्वराइज पाउडर भी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, एंड हिंदी में उसको हम बोलते हैं मुलेठी पाउडर। उसका बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होता है अगर आप उसको अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे। मैं रेडीमेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके मैं जो घर की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपने जैसे कि मेरे प्रीवियस स्किन केयर वीडियोज़ देखे हैं ना, आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरा स्किन केयर जो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को कि कैसे हमें इस फेस पैक को बनाना है, एंड इंस्टेंट आप देखेंगे कितना ग्लो फेस पर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस DIY फेस पैक का जो की इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी, जिसके लिए मैंने एक चम्मच मुलेठी पाउडर लिया। आपको 10-20 रुपए में आसानी से किसी अपने किराने वाली शॉप से मिल जाएगा। और उसके अंदर मैंने बेस के लिए ऐड किया एलोवेरा जेल। आपको पता है कोई भी DIY फेस मास्क हम बनाते हैं तो उसमें एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर टर्मरिक यानी हल्दी ऐड किया, थोड़ा सा पिंच ऑफ, जो कि एक नेचुरल ग्लो सा देगा। थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी को लूज़ करने के लिए रोज़ वाटर ऐड कर लिया है, तो ये कुछ इसकी कलर ऐसा बन जाएगा। बालों को यहाँ पर मैंने अच्छे से टाइट कर लिया ताकि मैं अच्छे से अपने फेस पर इस फेस पैक को अप्लाई कर पाऊँ। अब देखो ये काम किस पे करेगा, स्किन वाइटनिंग पे, डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन है स्किन में, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, स्किन को टाइटन करेगा, वाइटन करेगा, एक्ने पे कंट्रोल करेगा, रिंकल्स पे, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसको अपने फेस के अलावा हाथों पर और नीज पर, कोनियों पर, एल्बो पर, कहीं भी आप लगा सकते हो। फुल बॉडी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा ये उपटन वाला काम करेगा। आप वीडियो के एंड में अब आप देखना रिजल्ट। तो ये जब सूख जाएगा ना 10-15 मिनट बाद, तो मैं इसको स्क्रब की तरह हटाऊंगी। हल्का सा मैंने रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया है एंड ये पाउडर की तरह झड़ेगा। तो अब आप देखो मैंने इससे स्क्रब भी कर लिया है, फेस पैक भी हो गया एक ही स्टेप में। एंड यहाँ मैं आपको कॉटन के कपड़े से हल्का सा रिमूव करके दिखा रही हूँ। देखो मेरा स्किन कितना शाइन कर रहा है, एक ही बारी में रिजल्ट आपके सामने है। फेस मैंने यहाँ पर अब अच्छा सा वॉश कर लिया है एंड टॉवल से मैं ड्राई कर रही हूँ। तो यस, ये है रिज़ल्ट आपके सामने है। तो प्लीज़ इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करना, बनाना, एंड रिजल्ट्स आप लोग खुद बताओगे कि आपको कितना नज़र आया एक ही वॉश में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।